भाई गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो सभी। आज फाइनली वो दिन आ गया कि अभी आज था, आज कितनी डेट है यार, भूल गया मैं, 3 सितंबर 2023। आज फाइनली जो है सिमरन का मीटअप था, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी हमको 1 बजे पहुंचना था, शायद 1:30 बज रहा है और हम निकल रहे हैं यहाँ से मीटअप के लिए। रेडी हैं सब लोग, हम जा रहे हैं सिमरन, आंटी जी, कृष्णा। तो अभी तो शायद सिमरन की रील बन रही है, रील बन जाए तो विश्वास है आपको। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आंटी जी रेडी सिमरन। अच्छा कैसा लग रहा है तुमको, इतने दिन से रखा था आप लोगों के लिए, ये आपके साथ खुलेगा। अब देखते हैं वहाँ पे कितने लोग आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो रही है। धूप हो रही है और आजकल इस टाइम में सब लोग बिजी रहते हैं और थोड़ा वायरल फीवर, और वायरल फीवर सब कुछ चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, टाइम काफी ज्यादा हो गया, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे पहुँचने फटाक से। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं अभी, कृष्णा कैसा लग रहा है तुमको, अंकल जी को क्यों नहीं लाए, ठीक लगता है अंकल जी को क्यों नहीं लाए, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने बोला हमसे कि आप चलो हम आ रहे हैं पीछे से, पीछे हाँ साथ पीछे ही होंगे, देखना पड़ेगा, देखते हैं वहाँ पे कितने लोग हैं। वैसे कॉल तो आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि हम आ चुके हैं, अब जाने के बाद पता लगेगा कितने लोग हैं। जब फोल्डर आएगा ना तो मैं सबको पहले से बता दूंगी, तो हफ्ते पहले से कि हाय गाइस, तो ये भी तो था 5 दिन पहले से है ना, 5 दिन पहले से था, लेकिन फिर भी सबको सही से नहीं पता चला। एक पार्टी अपने घर पर आपकी, दूसरा बेटा पक्का करूंगी, इसमें मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे, मेरे पास मैसेज आया था, बहुत से लोग इसलिए नहीं आ पाएंगे रक्षाबंधन में घर गए हैं इस वजह से, और अलग अलग शहर से तो ट्रेन की टिकट तो जल्दी नहीं मिल रही होगी इसीलिए। गाइस अब यहाँ पे देखो सिमरन की ऑडियंस, बाहर ही देखो, मैंने बोला था ना बहुत भीड़ होगी, तो अभी रुक जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बारी बारी से खिंचा लेना सब लोग, अच्छी फोटो भी आ जाएगी ना, सही बात है, अच्छी फोटो भी नहीं आएगी फायदा क्या ना। सिमरन अच्छा 3 घंटे, तो टाइम तो दिया था पहले ही आ गए, तो 1 बजे दिया था, हाँ 1 बजे थोड़ा मतलब बताए तो थे, ये मेरे बेटे के साथ थोड़ी स्टोरी भी लगाया था यार, स्टोरी देख नहीं रहा हूँ अब लोकेशन बढ़िया, अब बढ़िया ली, यहाँ पे अंकल जी नहीं आ रहे थे, आ गए फाइनली, और इधर देखो भीड़ लगा। अभी आंटी जी सेल्फी का सिलसिला खत्म हुआ कि नहीं, अभी भी नहीं खत्म, वो कल तक नहीं खत्म होगा, हाँ भाई अभी अभी क्लिक करवा लेना, अभी करवा लेना क्लिक, जाओ तो मैं अपनी मम्मा पापा के साथ अपना सिल्वर बटन ओपन करना चाहती हूँ, और ओपन करना, तो मीटअप हो गया समाप्त, टाइम जो दिया था उसी के अनुसार चल रहे हैं, 4 बजे का टाइम था, ओ भाई इधर मजा ले रहे हैं, मजा आ रहा है। सिमरन का जो है ऑटो पे चल रहा है ऑटोग्राफ, मतलब कि पहले जो है सेल्फी का सिलसिला जारी हुआ, फिर वीडियो का, अब ऑटोग्राफ का, इसके बाद पता नहीं कौन कौन सा हो जाए, उससे पहले निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो गाइस फाइनली बज चुका है, शायद 5 बज गया, 6 बजने वाला है, वापस हम जा रहे हैं घर, और मीटअप में बहुत बहुत मजा आई, मतलब सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच, इतनी दूर से बहुत सारे लोग आए थे, उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे। अच्छा अंदाजा लगाओ कितने लोग आए थे, मैंने काउंट तो नहीं किया था लेकिन 50 से ऊपर आए, नहीं नहीं 150 से ऊपर, 50 50 तो बैठे थे इससे, हाँ 150-200 थे ना, हाँ हाँ इतने ध्यान नहीं दिया, मैं तो उस कैमरे पे देख रही थी, था थोड़ा लेट हो गए इसके वजह से, शायद कुछ लोग घर भी चले गए होंगे, हाँ ना सॉरी गाइस, जो लोग जिससे मैं नहीं मिल पाई, नेक्स्ट टाइम चले आते हैं उनसे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं, और हाँ इस ब्लॉग को एंड करते करते मैं बता दूं कि नेक्स्ट टाइम जब मीटअप रखूंगी ना, तो सबसे पहले मैं पहुंच जाऊंगी, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जब मेरा गोल्डन रिटर्न आएगा, मतलब 1 घंटे पहले,
जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि सिंगर का जो अवार्ड था वो कैसा था, तो आप ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई साहब मिल चुका है, ये देखो यूट्यूब का प्ले बटन आवाज, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेड टू सिंगर यादव व्लॉग्स, ये चैनल का नाम है। उसके नीचे लिखा फॉर पासिंग 1,00,000 सब्सक्राइबर। तो अगर आप जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते तो मुझे अवार्ड देते हैं ऐसे ही ना। आप वीडियो पर चलते जाओगे वैसे यूट्यूब भी खुश होगा आपको अवार्ड देगा। तो कंग्रेचुलेशन सिंगर, थैंक यू। ऐसे ही अवार्ड लाती रहो, ये चारों तरफ दीवारों पर जो है सब अवार्ड ही अवार्ड देते हैं। अब ये किधर लगाओगे? तो भाई ये देखो, वैसे तो मैं पहले अपने एक दोस्त का देख चुका हूँ, कहते हैं ये जो अंदर का है ना ये कहते हैं चांदी का होता है। पता नहीं चांदी का होता नहीं, उसमें तो मेरा फेस दिख रहा है, थोड़ा सा होता है। शीशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को सिल्वर बटन कहते हैं। उसको अभी तो रख देते हैं, फिर सिल्वर अपना लगाएगी, कहाँ से लगाना होगा।